गाइज, पहले तो मैं थैंक्स करना चाहूँगी उन लोगों को जिन्होंने इस तरह की चीज़ें बनानी शुरू कर दी हैं, जिन्होंने वुमेंस के बारे में, गर्ल्स के बारे में, उनकी इंटीमेट हाइजीन के बारे में सोचना शुरू किया है और इस तरह के प्रोडक्ट्स उनके लिए बनाना शुरू कर दिया है जो कि उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्यूटीफुल यू। मैं दिव्या मिश्रा। सो गाइज, आज का जो हमारा वीडियो है वो रिलेटेड है वुमेन इंटीमेट हाइजीन से। गाइज, आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ वी वॉश। आज मैं आपका इसका रिव्यू दूंगी और ये बताऊंगी कि दिस इज गुड और नॉट, आपको यूज करना चाहिए इससे वी वॉश को या फिर नहीं करना चाहिए, इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है और क्या प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में है। पूरी डिटेल आपको आज पता चलेगी वी वॉश के बारे में। सो गाइज, इसको देखने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज, जो वी वॉश है ये किसी भी तरह के इरिटेशन, इचिनेस, वाइट डिस्चार्ज, बैड ऑडर एंड बहुत किसी भी तरह का अगर आपको पेन हो रहा है वहाँ पे, तो सभी चीज़ों को ये क्या करता है, दूर करता है। ख़ास तरह से इचीनेस एंड इरिटेशन को मैंने देखा है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसे यूज नहीं करना चाहिए, बट मैं आपको ये कहूँगी कि ये पूरी तरह से सेफ़ है और इसे आपको यूज करना चाहिए। इसमें कौन कौन से इन्ग्रीडियंट हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। गाइज, ये जो है मैंने खुद यूज किया है अपने पीरियड्स के दौरान। मैं हमेशा इसको यूज करती हूँ और उस टाइम जो भी इरिटेशन और इचिनेस से प्रॉब्लम्स होती है वो बिल्कुल दूर हो जाती है। मेन क्या होता है कि मेन आपको पीएच लेवल का जो होता है वो बैलेंस होना चाहिए। पीएच लेवल कम और ज़्यादा होने की वजह से हमारे प्राइवेट पार्ट में कई सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। सो गाइज, जो ये वी वॉश है ये आपके वजीनल एरिया के पीएच लेवल को पूरी तरह से बैलेंस रखता है। 3.5 से लेके 4.5 तक का जो होता है ये मेजरमेंट, ये काफ़ी अच्छा माना जाता है हमारे वजीनल एरिया के पीएच लेवल के लिए। इतना पीएच लेवल होना चाहिए, इससे ज़्यादा होता है तो हमारे लिए अच्छी बात नहीं होती है, हमारे वजीनल एरिया के लिए सही नहीं होता है, जो कि हमारे वाटर और कई सारे केमिकल युक्त सोप में होते हैं जो कि 7 से लेकर 10 तक का पीएच लेवल उसमें मौजूद होता है। गाइज, इसको डॉक्टर ने खुद रिकमेंड किया था हमारी मदर इन लॉ को। मदर इन लॉ को इस तरह की प्रॉब्लम्स थी उनके इंटीमेट एरिया में, तो उस जब वो डॉक्टर को दिखाने गई तो डॉक्टर ने उन्हें खुद रिकमेंड किया। तो डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, इस तरह का इंटीमेट एरिया में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि आप वी वॉश का यूज करें। इसमें बता दूं गाइज कि इसमें सोडियम लॉरेट सल्फेट एंड पारबेंस नहीं है, जो कि बहुत ही हार्मफुल केमिकल्स माने जाते हैं, तो ये दोनों केमिकल्स इसमें अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये आपके वजीनल एरिया के लिए सेफ है। जो इस पर मेंशन है गाइज, उसमें की इंग्रेडिएंट में इन्होंने दे रखा है लैक्टिक एसिड 1.2%। सो गाइज, इसमें लैक्टिक एसिड है। लैक्टिक एसिड क्या करता है? लैक्टिक एसिड आपके पीएच लेवल को बैलेंस करता है। लैक्टिक एसिड का मोस्टली यूज यही होता है। तो इसमें लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है, इसे बताया गया है। और गाइज, इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं चलिए वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इसमें देखिए यूज किया है सी बकथॉर्न ऑयल, ये देखिए यहाँ पे दे रखा है सी बकथॉर्न ऑयल एंड टी ट्री ऑयल इसमें है, जो कि हमारे टी ट्री ऑयल क्या करता है, किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन अगर आपको हो तो उससे बचाता है। एंड बकथॉर्न ऑयल हाँ कैंसर और स्किन इन्फेक्शन से बचाता है। सो गाइज, इसमें ये चीज़ें मौजूद हैं जो कि पूरी तरह से सेफ है। इंग्रेडिएंट इसमें कुछ भी ऐसा नहीं डाला है जो कि आपके प्राइवेट पार्ट पे, आपके इंटीमेट एरिया पे इसका बैड इफ़ेक्ट हो, तो ये आपके लिए सही है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं जैसे डेली यूज नहीं करती हूँ, बी फ्रैंक, मैं इसे डेली यूज नहीं करती हूँ। इसको मैंने लिया है लेकिन इसको मैं तब यूज करती हूँ जब मुझे पीरियड्स आते हैं। जब मुझे पीरियड्स आते हैं तो उस टाइम ऐसा होता है कि
आपको 1 2 डेज़ के बाद में कुछ इरिटेशन और कुछ इचिंग टाइप्स का ऐसा महसूस होता है, तो उस वक्त मैं हमेशा इसको यूज करती हूँ। और मैं ये देखती हूँ कि जब भी मैं यूज करती हूँ तो मेरा इरिटेशन और इचिनेस बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। तो मैं हमेशा रेगुलर नहीं यूज कर पाती हूँ, क्योंकि आपको नहीं याद आता है इससे रेगुलर धोने के लिए, क्योंकि आप जब सोप से नहाते हो तो उसी सोप से क्लीन भी कर लेते हो अपने इंटीमेट एरिया, प्राइवेट पार्ट्स को, और वो सेफ रहता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हालांकि सोप को आपको ऐसा यूज करना चाहिए जो जिसमें कम से कम केमिकल्स हो, वैसा सोप यूज करें, जैसे पियर्स हो गया, ये सब सोप्स अच्छे होते हैं, और उन सोप्स को आप इंटीमेट एरिया पे भी यूज कर सकते हैं। तो मैं सोप से यूज कर लेती हूँ, बाकी दिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब पीरियड्स के दौरान मैं इसको हमेशा यूज करती हूँ। और पीरियड्स के दौरान यूज करने पे ये जो है कि आपके लिए काफ़ी सेफ रहता है, इचिनेस इरिटेशन से आपको छुटकारा मिलता है, और उस टाइम अगर किसी तरह का फंगल इन्फेक्शन आपको हो जाता है तो उससे भी काफ़ी प्रिवेंशन होता है। आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको इसे यूज कैसे करना है। इसे आपको फिंगर पे 2 से 3 ड्रॉप्स लेने हैं, देन आपको अपने जो वजिनल एरिया है उसके आउटर एरिया आपको क्लीन कर लेना है, इनर एरिया में नहीं लेके जाना है, आउटर एरिया में क्लीन कर लेना है, इसको लगा लेना है अच्छी तरह से, देन वाटर से वॉश कर लेना है। गाइज मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, इसलिए आप ये ना सोचिए कि मैंने पैसे लेके और इस चीज़ के बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें बता रही हूँ। तो मेरा ऐसा कोई भी मोटिव नहीं है, मैं सिर्फ, मेरा मोटिव आप सब जानते हैं स्टार्टिंग से, कि मेरा मोटिव बस यही है कि आप सबको अच्छी चीज़ों के बारे में बता सकूं और अच्छी चीज़ों की जानकारी आप सबको दे सकूं, ताकि आप सभी को इसका स्वास्थ्य लाभ मिल सके। सो गाइज, अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं, अगर आप डेली वे में यूज करना चाहते हैं तो भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी कि जब भी आपको ऐसा फील हो कि वहाँ पे इरिटेशन हो रही है या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स आपको महसूस हो रही है तो आप इसका यूज करें, देन आपको बहुत बेनिफिट लगेगा। सो गाइज, मैं ये कहना चाहूँगी कि ये आपके लिए काफ़ी सेफ़ है, आपके इंटीमेट एरिया के लिए काफ़ी सेफ़ है, और इसको यूज करने के बाद आपकी इरिटेशन, इचिनेस जो भी है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसको पीरियड्स के दौरान आप ज़रूर यूज करें और आप अपने आप को बहुत ही फ्रेश महसूस करेंगे। सो गाइज, आई होप आज वी वॉश के बारे में आपको पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में मैंने दे दी है। सो नेक्स्ट टाइम न्यू वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, टिल देन गाइज वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरों को भी इसके बारे में नॉलेज हो, क्योंकि हर वुमेन को, हर गर्ल्स को इसके बारे में पता होना चाहिए।